अस्सलाम वालेकुम जनाब, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आई होप यू आर ऑल वेल। अभी तकरीबन 8 का टाइम है और मैं इस वक्त रूम में खड़ा हूँ, तैयारी तवारी कर ली है और जा रहा हूँ वार्ड। आज है वार्ड नाइट, तो आज रूटीन आपको बताते हैं कि एक हाउस ऑफिसर की वार्ड नाइट कैसे गुजरती है, हाउस ऑफिसर वार्ड नाइट कैसे स्पेंड करता है विद पेशेंट, और उसकी रात को किस तरह की रूटीन होती है, आज इंशाल्लाह वही आपको बताएंगे। और मेरा वार्ड सर्जिकल वार्ड 2 चल रहा है, सर्जरी वार्ड है मतलब, तो मैंने एक वीडियो डे वाली भी डाली है और इंशाल्लाह उसका लिंक इसके नीचे भी है, वो अगर आप देखना चाहते हैं कि डे ड्यूटी किस तरह होती है और नाइट ड्यूटी किस तरह होती है, नाइट ड्यूटी हेक्टिक होती है या डे ड्यूटी हेक्टिक होती है, ये आपने कंपैरिजन करके दोनों वीडियो देखकर कमेंट लाजमी पास करना है। और इंशाल्लाह अभी लिए चल रहे हैं, इस वक्त मैं रूम में और अभी इंशाल्लाह निकल रहा हूँ रूम से, तो बाकी मेरा रूममेट भी तैयार हो चुका है इंशाल्लाह, वो भी मेरे साथ ड्यूटी में जा रहा है। जी, मैं हादसा से निकल रहा हूँ, मैं गेट से अब वार्ड की जानब जा रहा हूँ और आज कैंटीन बंद है, मेस भी नहीं किया हुआ, मेस उधर ही मंगवाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कैंटीन बंद, क्योंकि संडे वाले दिन सिर्फ फर्स्ट टाइम कैंटीन मतलब दोपहर लंच तो होता है लेकिन डिनर नहीं होता। आज समथिंग डिफरेंट रूट इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारा गेट बंद था, जैसे डे ड्यूटी में जब जाता हूँ मैं वो एक और रूट इस्तेमाल करते हैं, आज जो है ना नाइट, क्योंकि मेन गेट से आना पड़ा तो रूट डिफरेंट है। और ये जो साइट है ये ऑपरेशन थिएटर वाली साइट है, ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, अब ड्यूटी रूम के अंदर पहुंच गया हूं मैं और अभी सीनियर का वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब वो आ जाएंगे तो राउंड स्टार्ट कर देंगे हम। अभी मैं जा रहा हूं एक पेशेंट के वायरल मार्कर्स चेक करने, उन्होंने किटें मंगवा ली हैं और ये पेशेंट के वायरल मार्कर चेक करने का मेथड है, यहाँ पर 2 cc ब्लड हमने लिया स्विमिंग के अंदर, फिर उसको बता दिया था कि सीरम उसका लैदा हो जाए, हम सीरम लेते हैं उसके किटों पर फिर डालते हैं ये जिस तरह डॉक्टर साहब डाल रहे हैं। और फिर ना एक लाइन चलती है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि वो मूव करती है, और फिर वो अगर एक लाइन आ जाए तो इसका मतलब वायरल मार्कर नेगेटिव है, अगर 2 लाइंस बन जाए तो इसका मतलब पॉजिटिव। यू कैन सी हेयर दैट द ब्लड इज़ मूविंग एंड यहाँ पर 2 निशान बन जाएंगे, 2 या 1, अगर 2 बने तो पॉजिटिविटी आएगी, अगर 1 बना तो नेगेटिव। तो अभी वेट करते हैं इसका, देखते हैं। और ये जी देख सकते हैं आप, सिर्फ एक लाइन बनी है यहाँ पर ब्लड की, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है रिजल्ट, तो यहाँ पर वायरल मार्कर। और ये 2 किटें होती हैं, एक में HCV होता है, दूसरे में एंटीजन जो है ना HBV के वो होते हैं, यहाँ पर दोनों नेगेटिव। अभी जनाब ये लिस्ट है ऑपरेशन थिएटर की जो कल हमने ऑपरेट करने हैं, OT 1, 2 और 5, यहाँ पर 4 केसेस हमने रखे हुए हैं और ये केसेस फिर अब हमने इनको प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर एक हमारा डॉक्टर दूसरा वो किट पर टेस्ट कर रहा है वायरल मार्कर का, एक और पेशेंट का, ये आप देख सकते हैं, और ये टेप वगैरह लगा रहा है इधर, क्योंकि किट ना ऐसे नहीं वो करते, उसको चार्ट के साथ अटैच करना होता है। मेरे बहुत ही प्यारे और लीजेंड PG माशाल्लाह आ चुके हैं, वेलकम हम इनको कहते हैं, अताउल्लाह भाई क्या हाल है? तो आज ना मैं वीडियो बना रहा हूँ नाइट ड्यूटी पर, और आज हमारे साथ अताउल्लाह भाई होंगे इंशाल्लाह, हम इनके साथ नाइट गुजारेंगे। यार ये है
ये हो गई रोटियां। और अभी ना शायगान से हमने एक ऑर्डर मंगवाया है, ये सालन, तो गिलास भी लाने आना ये है। रहता जी, डिस्पोजेबल गिलास भी नहीं। हाँ यार, यार दे इधर पैसे दे, पैसे किधर हैं, बटवे में हैं। चल मैं दे देता हूँ। यार नहीं, ये रहता है जनाब, ये कुछ में फिर हमने रायता डालना है और एक में हमने ये आटा डालना है। सारे ठीक लो जी, ये सालन मैंने डाल दिया प्लेट में और अब इंशाल्लाह हम खाना स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब खाना खा लिया हमने और अभी चक्कर लगाना है बेस में, पेशेंट को देखना है क्योंकि कल है ऑपरेशन थिएटर। तो ऑपरेशन के लिए ना उनका ब्लड अरेंज करवाना होता है, कोई अगर टेस्ट उनका रहता है तो वो चेक करना होता है। तो अभी इंशाल्लाह हम वो राउंड करते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। अभी मैं लास्ट बे में जा रहा हूँ और वहाँ पर एक पेशेंट को चेक करना है। यहाँ पर चार बेज जो हैं वो मेल की हैं और चार फीमेल की हैं। ये मेल बे थ्री आप देख भी सकते हैं राहिल, और आगे आ जाएगी मेल बे फोर। यहाँ पर मुझे काम है, एक पेशेंट को देखना है। तो जनाब अभी रात के 12:15 हो गए और मैं पेशेंट से भी फ्री हुआ हूँ क्योंकि कल ऑपरेशन डे है। तो कल जो है ना, जो भी पेशेंट ऑपरेशन होगा जिनका उनको एनपीयू रखना होता है, कि रात के 12 बजे आपने कुछ नहीं खाना पीना, उनको ये समझाना होता है, वो अभी कहकर मैं आया हूँ। और बाकी जो भी किसी पेशेंट को पेन वगैरह या किसी चीज़ की कंप्लेंट थी वो मैंने पूछ कर बेड टू बेड गए, उसके बाद फिर अभी फ्री होकर आया हूँ। अभी मैं डॉक्टर ड्यूटी रूम में बैठा हूँ, तो मज़ीद इंशाल्लाह जो भी हमारी रूटीन होगी वो बताते रहेंगे। अभी फ्री हैं तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम मतलब जागना तो हमें सारी रात ही पड़ता है। ये है कि पेशेंट के अटेंडेंट आते हैं कि हमारे पेशेंट को पेन की कंप्लेन है या हमारे पेशेंट को उल्टी आ रही है या हमारे पेशेंट को ये चीज़ है वो है, तो उस फिर ना हम उनको उसी के मुताबिक ट्रीट करते हैं। तो अभी इंजॉय करते हैं और इंशाल्लाह फिर जो ही कोई सीन बनेगा इंशाल्लाह वो हम आपको दिखा देंगे। सुबह के 6 बज गए हैं और हम बस 2 घंटे रहते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद नाइट ख़त्म हो जाएगी हमारी, हम वर्क दे देंगे ड्राइवर को और उसके बाद राउंड होता है। राउंड के बाद हमें हॉस्टल या रूम वगैरह में जाने की इजाज़त होती है। तो जनाब 8 बज गए हैं और माशाल्लाह हमारी नाइट एंड हुई और हमने ओवर दे दिया है डे वन को, और ये डॉक्टर उन्होंने माशाल्लाह आ चुके हैं। क्या है डॉक्टर, चलो माशाल्लाह, इनका आज डे है, इनका डे ड्यूटी 8 से शाम 8 बजे तक है, उसके बाद फिर नाइट वाला और बैच जाएगा। हमारा एंड हो गया नाइट और तो हमारा तकरीबन भी वार्ड भी अब एंड, तो डॉक्टर उमर माशाल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं और इसके अलावा 2 और भी डॉक्टर रहते हैं वो इंशाल्लाह भी कुछ छोड़ देर में। ओवर का मतलब ये होता है कि जो नेसेसरी चीज़ें हैं ना वार्ड की, जिस तरह बीपी अपरेटस हो गया, पल्स ऑक्स हो गया, पल्स ऑक्सीमीटर और उसके अलावा ग्लूकोमीटर, ये ना हमने ना दूसरे बैच को ना हैंड ओवर करनी होती है।